एक कहानी बताता हूँ। रामाचार्य अपने शिष्य के साथ चल रहे थे एक बार, तो चलते चलते क्या हुआ, एक जगह पे रुके और उनके शिष्य लोग बहुत थक गए थे। तो भाई चलो आज रात को हम आराम करेंगे कहीं पर। तो पास में ही एक उनके शिष्य का घर था, बड़ा अमीर आदमी था, तो बहुत मतलब धन दौलत था उसके पास अच्छा खासा। तो उसके शिष्य को बोला जाके पूछ के आओ कि हम आज क्या रुक सकते हैं क्या। तो ये लोग जब गए शिष्य लोग, तो वो जो व्यक्ति था वो इनको ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो मतलब इनको नेगलेक्ट करा था इन द सेंस, बोला मैंने ऐसी, क्योंकि ये लोग सब सिंपल कपड़ा पहने थे, सिंपल वो थे। फिर वो लोग बोले कि रामाचार्य आए, गुरुदेव आए। तो ये थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, अरे गुरुदेव आए, क्योंकि रामाचार्य बहुत फेमस थे, तब तो अगर वो मेरे आ जाएंगे तो और थोड़ा मेरा भी नाम बढ़ जाएगा। तो बोला हाँ, तब बुला 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 बुला, हम उनकी व्यवस्था करेंगे सब। तो ये लोग आकर के बोले रामाचार्य के कि गुरुदेव आपके रहने की व्यवस्था वो कर दिया है। बोला मुझे बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया, तुम जब गए उसके पास तो तुमको वो कैसे ट्रीट किया। तो बोला कि क्या बताए गुरुदेव, हमको तो वो एकदम मतलब एकदम निकृष्ट भाव से एकदम देखा और हमको तो ध्यान भी नहीं दे रहा था वो। बोला नहीं रुकेंगे इसके यहाँ, चलो। बोला कि जब तू ये तुम लोग को वो नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है, तो मेरे सम्मान का फायदा ही क्या। तो वैसे ही जब गुरु के शिष्य लोग को कोई सम्मान नहीं दे रहा तो गुरु भी वहाँ नहीं जाएंगे, वैसे ही अगर हम भगवान के भक्तों को सम्मान नहीं देंगे तो भगवान वहाँ नहीं आएंगे। कोई सोचेगा कि भक्तों को हम नकार दे और खाली डायरेक्ट भगवान को, कई लोग होते ना कि भक्त लोग को तो नकार देते हैं और भगवान को पूजा कर रहे हैं, भगवान देखेंगे भी उनकी तरफ। फिर ये रामाचार्य बोले कि चलो मेरे पास में मेरा और एक शिष्य है, वो एक गरीब ब्राह्मण है, उसके घर में चलते हैं। तो ये लोग बिना बुलाए पहुंच गए वहां पर, बिना बुलाए पहुंच गए और पति पत्नी दोनों थे। तो ये जो उसका जो पति था वो बाहर काम में गया था, वो भिक्षा मांगने गया था, और ये पहुंच गया, खाली पत्नी घर में जो है कुछ झाड़ू पोछा चा मार रही थी, और वो दिखे अरे रामाचार्य आ गए, गुरुदेव आ गए। तो ये पूरा हड़बड़ा गई, उनको बैठाई, पानी वानी पिलाई और फिर बोली कि गुरुदेव क्या सेवा करें आपकी। तो बोले कि पास में नदी है, पहले हम स्नान करके आएंगे फिर प्रसाद पाएंगे। तो बोले ठीक है आप जाइए स्नान करके आइए। स्नान करने गए वो लोग, थोड़ा जाके आए तो देखे 10-12 आइटम प्रसाद बना रखी है, वो पूरा 4-5 लोग थे, पूरा भर भर के प्रसाद उन लोग अच्छे से, जैसे अभी हम लोग बैठ के यहाँ खाए पूरा बढ़िया से प्रसाद एकदम, तो ऐसा ही पूरा एकदम फुल आइटम आइटम भर के प्रसाद बना रखी है। ये लोग अच्छे से खा लिए, सब कर लिए। तो खाते खाते जब ये खा रहे थे ये सारे लोग, तो उस समय उसके पति आ गया। वो पति देख के हैरान, बोले घर में चावल का एक टुकड़ा नहीं, कुछ नहीं है, तू इतना कैसे हो गया ये। बोली बाद में बताऊंगी, पहले इनको सब आप विदा कीजिए, जो भी है मतलब इनको पहले सेवा कीजिए। तो सबको किए, रामाचार्य बोले क्या आनंद आया है प्रसाद में, जो आनंद है मतलब आज खा करके दिल तृप्त हो गया, और बहुत आशीर्वाद दिए इन लोगों को, दोनों को। तो फिर ये लोग को बोले आप थोड़ा आराम कीजिए, तो सब लोग जाके आराम करने लगे। तब ये पूछा अपनी पत्नी से कि तू लाई कहाँ से इतना सब चीज़ें। तो बोली कि बगल में ना एक सेठ रहता है, और ना मैंने अपने आप को गिरवी रख दिया उसको, वो सेठ चाहता था कि मतलब मैंने अपने आप को उसको गिरवी रख करके, और उसने मुझे पैसा दिया है, अब बाद में सलट लेंगे जो भी, ये देखा जाएगा। तो इतना ये इसका पति सुना और अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया वो, और वो बोला कि धन्य है मेरा जीवन कि तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि तुमने गुरु की सेवा के लिए अपने आप को बेच दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग वार्तालाप कर रहे हैं और ये बहुत प्रशंसा कर रहा है उसका। अभी ये इमिटेटेड नहीं है, लेकिन इमिटेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी भाव देखिए, अगर कोई आज का पति होता दो पहले लाफा लगाता कि बोला तेरे क्या दरकार थी उसके पास जाने के लिए, लेकिन इतना भाव था इनके गुरु की सेवा के लिए कि इसने उस पत्नी को कहा कि धन्य हो तुम, धन्य मेरा जीवन और धन्य हमारे गुरुदेव। रामाचार्य बात सुन लिए, वो जो थे वो मतलब सोए नहीं थे, वो बस लेटे हुए थे, वो सुन लिए, वो आ गए और वो बोले क्या हो गया। तो फिर उन्होंने सब बताया, रामाचार्य बोले मेरा जीवन धन्य होगा कि ऐसे शिष्य मुझे मिले हैं। और फिर रामाचार्य ने अपना थाली में जो खाया था उसमें से एक दाना निकाल के दिया और उस पत्नी को कहा कि जाओ, जब जब वो सेठ तुम्हें बुलाएगा ना उसको खिला देना ये, ठीक है। तो ये जाती है, तो सेठ जो है वो पूरा गलत भाव से देख रहा था इसको, और वो सोचा कि अब तो ये मेरी संपत्ति है। तो ये जब गई तो बोली देखिए गुरुदेव ने आपके लिए कुछ प्रसाद भेजा है, तो ये प्रसाद पाइए। तो वो एक दाना जैसी खाया,
उसका जो हार्ट पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, पूरा मेल्ट हो गया, वो चरणों में गिर गया इसके। बोला बोला मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ, बोला मैं अब कैसे इस पाप को धोऊं। बोला कि मैंने क्या, मेरी क्या भावना थी, और धन्य तुम्हारे गुरुदेव। बोले कहाँ है वो, मुझे उनसे मिलना है। बोले आज ही मैं मेरा परिवार और मेरी पूरी संपत्ति सरेंडर कर रहा हूँ रामाचार्य को, और जा करके उनके सरेंडर कर देते हैं। सोचिए गुरु की सेवा का ये, मतलब खुद का तो उद्धार किया ही किया, लेकिन जिसकी दुष्प्रभाव था, मैंने जिसका भावना गलत था, उसका भी वो कर दिया। ये होता है भक्तों का। ये तो देखिए, ये भक्तों की महिमा जब हम गाते हैं तो हम जानते नहीं हैं कि भगवान कैसे खुश होते हैं। जो तो इसलिए क्या है, तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शना। तो ये बहुत, इसलिए वैष्णव की बहुत महानता, खासे गौड़ीय वैष्णविज्म में और शीर संप्रदाय में भी रामाचार्य ने कहा है कि वैष्णव सेवा, कोई अगर वैष्णव सेवा को छोड़ करके सोच रहा है कि मेरा निस्तार हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है।